हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन के केस में जब भी बात की जाती है तो अपन कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में पहले अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स। ओके, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या कहा जा सकता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन किस तरीके से दी जाती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिएगा, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन सभी यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का जो है वो अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिएगा किस तरीके से ये काम में लिया जाता है डेली यूज में। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलपीजी के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन आता है, जिसे आप कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या कहा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिएगा, जो आपके किचन गैस है उसको काम में लिया जाता है। फिर आता है आपके सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होता है आप सभी जानते हैं। देखिएगा, सीएनजी जो आजकल गैस की जो कार्स हैं, जो भी आपके व्हीकल हैं, वो सभी में फ्यूल के फॉर्म में इसको काम में लिया जाता है। फिर आता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो पेट्रोल डीजल के फॉर्म में यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स यूज एज फ्यूल लाइक सीएनजी एंड एलपीजी। फ्यूल के रूप में सीएनजी और एलपीजी का काफी ज्यादा यूज किया जाता है व्हीकल्स में। दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का योगदान, देखिएगा हाइड्रोकार्बनों का उपयोग बहुलकों के निर्माण में होता है। काफी सारे पॉलीमर्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से फॉर्म किए जाते हैं। जैसे अपन बात करें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली प्रोपीन, पॉली स्टाइरीन, ये सभी क्या है, पॉलीमर है। इनको डेली यूज में भी काम में लिया जाता है। देखिएगा, पीवीसी से बने जो पाइप, ओके, ये है आपके। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बनों का उपयोग रंजक और दवाइयां बनाने में भी किया जाता है, कि इनसे हम रंजक बना सकते हैं और कुछ मेडिसिन्स दवाइयां भी बना सकते हैं। ओके, जैसे कलर हो गए आपके, रंजक कलर हो गए, टैबलेट्स हो गई, ये सारी क्या है, मेडिसिन्स हैं। इनका फॉर्मेशन आसानी से किया जा सकता है। ओके, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को अपन देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं से बंध जुड़े होने के आधार पर इनको तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, इनको वर्गीकृत किया जाता है तीन श्रेणियों में। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं आपके, देखिएगा क्लासिफाई किया गया है तीन में। इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देखिएगा यहां पर, जब भी एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे एल्केन हो गया, एल्किन, एल्काइन हो गया और बेंजीन हो गया। तो देखिएगा एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देखेंगे एल्केन, ये क्या है, एल्केन। फिर एल्किन जो डबल बॉन्डेड है, और फिर एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्डेड है, ये देखिएगा, और फिर आ जाता है बेंजीन। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं ये हो गया आपके एल्केन, क्या हो जाएगा, एल्केन। ये हो गया आपके एल्कीन, एल्कीन, और ये है आपके एल्काइन, एल्काइन और बेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनके बारे में अपन डिस्कस करें तो अपन कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित हो,
या आप कह सकते हैं जिनमें पाई बॉन्ड एबसेंट हो, पाई बॉन्ड क्या हो, एबसेंट हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। जैसे एग्जांपल एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, ये सभी क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध या कार्बन कार्बन के मध्य पाई बंध या द्विबंध अनुपस्थित हो। सेकेंड बात करते हैं अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित हो या पाई बंध पाया जाता हो, क्या हो, पाई बंध पाया जाता हो। ओके, इथेन इथाइन, जैसे यहां पर इथेन की बात करें अपन तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और इथाइन की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, इस तरीके से ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त होते हैं, इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे अपन एल्किन की बात करें तो एल्किन में एक पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड पर, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा साइक्लो एल्केन क्या है। साइक्लो एल्केन के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि वे संतृप्त या असंतृप्त यौगिक जिनमें प्रथम कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हों, जिससे एक बंद श्रृंखला या वलय का निर्माण होता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, साइक्लो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में अपन जो बात कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिएगा ये क्या हो गया आपके साइक्लोप्रोपेन, तीन कार्बन है। साइक्लोब्यूटेन देखिएगा, साइक्लोब्यूटेन हो गया ये यहां पर। ओके, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, केवल संतृप्त, केवल असंतृप्त एरोमेटिक, केवल एरोमेटिक, संतृप्त असंतृप्त और एरोमेटिक, तो तीन श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, तो देखिएगा इन तीनों में, इन तीनों में पाई बंद आ रहा है, यहाँ देखिए द्विबंध आ गया, यहाँ द्विबंध आ गया, यहाँ त्रिबंध आ गया, यहाँ त्रिबंध और द्विबंध आ गया, तो ये तो क्या हो गए, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, क्या हो गए, असंतृप्त, असंतृप्त हो। ओके, तो बच गया क्या फर्स्ट, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, एल्केन, एल्केन के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन यहां पर, तो कह सकते हैं कि एल्केन जो होते हैं वो क्या होंगे आपके यहाँ, एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अक्रिय होती हैं, अतः इन्हें पैराफीन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, पैराफीन भी इनको बोल दिया जाता है। ओके, पैराफीन इनको कहा जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है लिटिल एफिनिटी, कम क्रियाशील, क्या कहा जाता है, कम क्रियाशील यौगिक। ओके, फिर अपन बात करें खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो पड़ोसी कार्बन, मतलब नेबर कार्बन या एडजस्ट जो कार्बन है, एकल बंध कार्बन कार्बन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे मैथेन एथेन। ओके, एल्केनो का प्रथम सदस्य मैथेन होता है, क्या होता है, एल्केनो का प्रथम सदस्य कौन है, मैथेन है, जिसे कोयले की खानों तथा दलदले स्थानों से प्राप्त किया जाता है, अतः इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस, क्योंकि ये मार्सी एरिया में मिलते हैं, या जो आपके कॉल माइंस होंगी वहां पर ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर, ये देखिएगा कॉल माइंस हो गई है और ये मार्सी एरिया हो गया, यहां पर मैथेन गैस काफी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए यहां पर मेथेन की प्रचुरता पाई जा सकती है। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, सामान्य मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n plus 2, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n plus 2 होता है, यहां पर n 1 2 3, n is number of carbon atom, और यहां पर n क्या हो गया, कार्बन परमाणुओं की संख्या हो गई। ओके, देखिएगा एल्केन में CnH2n plus 2,
एन इज इक्वल टू वन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज क्या हो जाएगा, सी एच फोर। तो देखिएगा यहां पर सी वन एच टू एन, एन क्या हो गया इंटू वन प्लस टू, तो क्या हो जाएगा सी वन एच टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा सी एच फोर, क्या हो जाएगा सी एच फोर हो जाता। ओके इस तरीके से मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्स गैस और फायर डैम। देखिएगा जिस स्थान पर मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में रहती है, प्रचुर मात्रा में रहती है वहां पर ज्वलनशीलता की प्रकृति पाई जाती है या वहां पर यह जल सकता है। यदि इसको ऐसा माध्यम मिले कि गैस जो प्रचुर मात्रा में है और वहां पर यदि कोई ऐसा माध्यम प्रोवाइड हो जाए कि आग लग जाए तो ये बहुत तेजी से क्या करता है, फायर करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस को फायर डैम भी कहा जाता है। तो मेथेन को मार्स गैस या फायर डैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा इफ एन इज इक्वल टू टू तो सी टू एच सिक्स हो जाता है। अदर एल्केन्स आर सी थ्री एच एच सी फोर एच टेन। ओके एल्केन समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये सभी एल्केन जो हैं इनको क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणियां कहा। जैसे एल्केन एक समजातीय श्रेणी हो गई, एल्किन दूसरी समजातीय श्रेणी, एल्काइन अगली समजातीय श्रेणी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक अलग श्रेणी है, इसको भी क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर समजातीय श्रेणी की परिभाषा दी गई है, उसको अपन देख लेते हैं। ये देखिएगा किसी हाइड्रोकार्बन को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर एक नया सदस्य प्राप्त होता है जिसे समजात सदस्य तथा इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को समजात श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणियों में जैसे अपन बात करें मेथेन और एथेन के बीच की, तो अपन कहेंगे कि मेथेन जो है इसको अणुभार के क्रम में बढ़ाया जाए और इसमें CH2 जोड़ा जाए तो यहां क्या बनेगा C2H6 बनेगा। क्या बनेगा C2H6 जो अगला सदस्य है, ये एक ही श्रेणी का हुआ इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, समजात श्रेणी कह दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स देखिएगा यहां पर जब भी अपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं तो अपन कहेंगे कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब संकरण पाया जाता है जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एल्केन में 154 पिकोमीटर मतलब 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ एल्केन में 112 पिकोमीटर मतलब 1.12 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ओके एल्केनों की संरचना टेट्राहेड्रल कार्बन बनाती है जैसे चतुष्फलकीय होती है इस तरीके से। ये देखिएगा बहुत ही शानदार आपके सामने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा गुड एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रारूप दर्शाया गया है इसका। देखिएगा और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है इस तरीके से और ऑल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बट यहां पर शो किया गया है 109.5 डिग्री। ओके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिएगा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें अपन बात करें तो कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है केवल एटम और एटम की संख्या दर्शाई जाती है, बंधों के प्रकारों को नहीं दर्शाया जाता। जैसे यहां पर ये बंद दिख रहा है बट यहां नहीं दिख रहा, ऐसे यहां और यहां बट यहां पर नहीं दिख रहा इस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है परमाणु और परमाणु की संख्या को एक साथ लिखा जाता है, जैसे पादांक के फॉर्म में इनकी संख्याएं दर्शाई जाती हैं। समान परमाणु के प्रतीक के पादांक में उसके कुल परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर दिया जाता है। ओके ये देखिएगा प्रोपेन में C3H8 हो गया। फिर आता है बॉन्ड डैश फॉर्मूला, इसमें बंधों के प्रकारों को दर्शाया
जाता है परमाणुओं के साथ साथ। ओके, ये देखिएगा यहां पर डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। अब यहां पर डॉट और क्रॉस फॉर्मूला, जिसे लुइस फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लुइस संरचना सूत्र, लुइस संरचना सूत्र भी इसको बोला जाता है। ओके, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में शो किया जाता है। ये देखिएगा, देखिएगा एल्केन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक ब्रांच चेन कंपाउंड, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक और शाखित श्रृंखला वाले एल्केन या यौगिक। जैसे ये सीधी श्रृंखला वाले, इसमें देखिएगा यहां पर स्ट्रेट चेन है और इसमें स्ट्रेट चेन के साथ क्या आ गया, पार्श्व श्रृंखला आ गई, ये श्रृंखला आ गई शाखित श्रृंखला। सब्स्टिट्यूट का होना ही क्या है, शाखित है। ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH3n, CnH2n plus 2, CnH2n minus 2, तो हो जाएगा CnH2n plus 2। Next, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, एरोमेटिक, नन ऑफ द अबव, तो यहां हो जाएगा ब्रांच चेन। देखिएगा यहां पर स्ट्रेट चेन के साथ क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो एक ब्रांच बन रही है। क्लियर? अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, एरोमेटिक, नन ऑफ द अबव, तो अनसेचुरेटेड क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्केनों में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण, एल्केनों में कार्बन परमाणुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम बेसिस पर किया जाता है। इसमें देखिएगा प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम और क्वेटरनरी कार्बन एटम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है वो देखिएगा, यदि एक कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वह प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे एक कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से अटैच है, इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें देखिएगा ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया और इसके इसके संदर्भ में ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ओके, सेकेंडरी कार्बन एटम, यदि एक कार्बन परमाणु अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। इस तरीके से कि एक कार्बन परमाणु एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन परमाणु को क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री कार्बन एटम कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा टर्शियरी कार्बन एटम, तृतीयक कार्बन परमाणु, 3 डिग्री कार्बन परमाणु, यदि एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे एक कार्बन अन्य तीन कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन, क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। ओके, क्वेटरनरी कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन, ये तो हो गया आपके 3 डिग्री कार्बन और ये हो गया 4 डिग्री कार्बन, यदि एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसे चतुर्थक कार्बन परमाणु, मतलब इस तरीके से एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से बंधित हो रहा है, यू सराउंडेड है, 4 कार्बन से एक कार्बन सराउंडेड है, घिरा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो उसे क्वेटरनरी कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम कह दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सा कार्बन कौन कौन से डिग्री लिए हुए हैं। देखिएगा पहला कार्बन, इसको आप कहेंगे प्राथमिक 1 डिग्री, ये वाला कार्बन जो रेड दिखाई दे रहा है यहां पर देखिएगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपके 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एटम, ये वाला कार्बन टर्शियरी और ये वाला कार्बन एटम जो है वो क्वेटरनरी कार्बन एटम हो जाता है। ओके, और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन एटम होता है,
और ये वाला कार्बन एटम 2 डिग्री हो जाता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, और ये 4 डिग्री। ओके, इस तरीके से कंपाउंड में डिग्री कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से केवल 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन उपस्थित हैं। जो दिया गया यौगिक है उनमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम की पहचान करनी है आपको। देखिएगा, पहले कार्बन, पहले ऑप्शन में ये 3 डिग्री आ गया, इसमें दोनों के दोनों ही 1 डिग्री है, इसमें देखिएगा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। पूछा क्या गया है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो इस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री एटम प्रेजेंट है। बट फोर ऑप्शन में 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री। इसमें 4 डिग्रियां प्रेजेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 1 डिग्री कार्बन से बंधों की संख्या जुड़ती है, 2, 1, 3, 4 बंधों की संख्या, मतलब इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होगा कार्बन, कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, जैसे अपन बात करते हैं तो यहां पर एक ही बंध पाया जा रहा, वो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट। ओके,